तो गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़े थे कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास, आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था, तो उसी के आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्या था? ये आपका एक मशीन था, एक डिवाइस था। जो कौन सी डिवाइस है आपकी, इसे आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। जो क्या करती है? डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में क्या करती है? चेंज करती है। ये इसका काम है। कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को लेके प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो गणना करती है, कैलकुलेशन करती है, वो क्या आपका कंप्यूटर है। ठीक है कौन सी डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें हमने तीन चीजें बताई कि क्या क्या होता है, वो देख लेते हैं। तीन चीजें हमने बताया कि एक होता आपका, पहला काम होता है इनपुट का, फिर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, फिर क्या देता है? आउटपुट देता है। फिर क्या देता है? आउटपुट देता है। इनपुट कौन करता है? यूजर करता है। बताया था कौन करता है? तो यूजर का होता है। तो इनपुट में हमने बताया था दो चीजें होती है, एक आप डाटा देते हो, ठीक है, दूसरा आप क्या देते हो? इंस्ट्रक्शन देते हो, मतलब निर्देश, स्ट्रक्चर है ना। मतलब आप क्या देते हो? निर्देश देते हो। ठीक, इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं? निर्देश। और ये क्या होते हैं? कैसे कच्चे आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? कच्चे आंकड़े होते हैं, रॉ फैक्ट्स जिसे बोलते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है देख लेते हैं। तो डाटा क्या होता है आपका? डाटा की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसका कोई अर्थ ना हो। क्या हो? जिसका कोई अर्थ ना हो, क्या है आपका? डाटा है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं? जिसका एक ही, जैसे हमने लिख दिया एक, पांच लिख दिया, क्या लिख दिया? पांच लिख दिया। तो जिसका हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, अलग अलग क्या हो, मतलब हो, वो क्या है आपका? डाटा। मतलब क्या हो जाएगा? जिसका कोई हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ हो, वो क्या है? डाटा। या फिर बोल सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या है आपका? डाटा है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं कि जैसे मैंने बोला पांच, तो पांच क्या हो सकता है? घर का नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? होम नंबर हो सकता है। ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है, किसी का प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो किसी का नंबर हो सकता है, कोई के भाई हो सकते हैं, है ना। पांच भाई हैं हमारे, या पांच बहन हैं हमारे, या पांच चाचा जी हैं हमारे, है ना। तो हर किसी के लिए अलग अलग क्या है इसका मतलब या अर्थ है, है ना। तो पांच क्या हो गया आपका? ये क्या जाएगा आपके? डाटा के अंतर्गत आएगा, कच्चे आंकड़े, मतलब दो फैक्ट्स, है ना। मतलब एक ही शब्द का अनेक अर्थ, या कह सकते हैं इसका कोई अर्थ ही नहीं जिसका, वो क्या है आपका? डाटा है। ठीक है, जैसे बोल दिया किसी, मेरे पांच भाई हैं, नहीं पांच प्लेस हैं, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है, या कुछ और है। जिसका एक ही चीज का अनेक अर्थ निकले या कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या बोल देंगे आप? डाटा बोल देंगे। ठीक है, निर्देश क्या होंगे? जैसे निर्देश समझ लेते हैं क्या होगा, कि हमने क्या बोला, पांच डैश पांच, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया डाटा। पर निर्देश क्या है? जैसे इसको करना क्या है? निर्देश क्या दिया हमने इसको? मैंने बोला ये टेबल है, तो टेबल का करना क्या है? जो हम बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे,
है ना, वही कहलाएगा निर्देश। कि पांच और पांच को क्या करना है, तुमको जोड़ना है, या पांच माइनस पांच करना है, या पांच गुणे पांच करना है, या पांच भागे पांच करना है, ये क्या कहलाएगा, निर्देश कहलाएगा। तो मतलब जैसे इसमें क्या आ जाएगा, ये डाटा हो जाएगा आपका, पांच आपका डाटा जो है माइनस है, ये आपको कहलाएगा दत्तन कहलाएगा, या निर्देश कहलाएगा, ठीक है। तो डाटा क्या है, निर्देश क्या है, ये अलग अलग चीजें। तो डाटा क्या बोल देंगे, रोफेक्स होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं, और निर्देश क्या होता है अपना, कि किसी को निर्देश देना कि ये आपको काम करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो डाटा के अंदर दो चीजें आएंगी, एक न्यूमेरिक डाटा आएगा और एक नॉन न्यूमेरिक, मतलब एक नंबरिक और एक नॉन नंबरिक, है ना। जैसे हमने लिख दिया न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, जीरो से नाइन तक जो लिखते हैं अपन, वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कहलाएगा, है ना। मतलब जो जीरो से नौ तक की संख्याएं होती हैं उसे आप क्या बोल दोगे, न्यूमेरिक बोल दोगे, है ना। जैसे जैसे कि पांच हो गया, है ना, पांच सौ रुपए हो गए आपके, ठीक, ये क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कहलाएगा आपका, ठीक है। ये कोई अंक लिख दिया पांच लिख दिया छह लिख दिया सात लिख दिया, ये क्या कहलाएगा आपका, न्यूमेरिक कहलाएगा। ये कौन सा डाटा कहलाएगा, न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा। पर इसमें एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि जिस पर शर्त लिख देते हैं अपन, शर्त ये होती है कि जिसमें कैलकुलेशन की जा सके, मतलब जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये चीजें इसमें अगर की जा सकती है तभी वो न्यूमेरिक डाटा कहलाता है, है ना। ऐसा नंबर जिस पर कैलकुलेशन संभव हो, है ना, जोड़ घटा सके हम, वो नंबर क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया मोबाइल नंबर अपना, ठीक, तो क्या नंबर नहीं है, जीरो से नाइन तक के नंबर है ना, पर ये न्यूमेरिक डाटा नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, नंबर पे कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन न्यूमेरिक डाटा बोलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा क्या कहलाएगा, जिस पर ये शर्त लागू हो, मतलब ऐसे नंबर जिस पर आप कैलकुलेशन कर सके वह न्यूमेरिक डाटा कहलाता है, जिस पर कैलकुलेशन नहीं की जाती वो क्या कहलाएगा, नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे आपका घर का नंबर हो गया, ठीक, घर का नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया आपका, कोई प्लेस हो गया, प्लेस नंबर हो गया, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं, रूम नंबर हो गया आपका, एड्रेस हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा में आते हैं, होते अंक ही हैं, लेकिन क्या होते हैं, उसमें कैलकुलेशन नहीं की जाती है। जिसमें कैलकुलेशन नहीं की जाएगी नॉन न्यूमेरिक, और जिसमें कैलकुलेशन करना संभव होता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक डाटा, या फिर ये सब तला सकते हैं जिस पर ये क्या है, कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपना इन्फॉर्मेशन क्या होता है।